एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साई जनरेशन। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ये एक ऑडियो एपिसोड है, न कि वीडियो। साई जनरेशन को बनाने के पीछे का क्या मोटो रहा है, ये एपिसोड उसी के बारे में है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में है। मनोविज्ञान कई कठिन विषयों में से एक रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक विधियाँ हम अपने आम जीवन में उपयोग करते हैं, किस तरह से इन मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके आप अपने जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से अपना जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। साइंस जनरेशन आपको मनोविज्ञान की थ्योरी, विधियों और वो सब जो आपके सिलेबस और नेट के सिलेबस से रिलेटेड है बताएगा। साइंस जनरेशन आपको ये भी बताएगा कि किस तरह से इन साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज का यूज़ करके आप अपने मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन इन्हेंस कर सकते हैं और किस तरह से आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। एक सामान्य सा प्रश्न जो अक्सर मेरे सुनने में आता है, या कहूँ मैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हैं, आप साइकोलॉजी जानती हैं, तो आप हमारा माइंड रीडिंग भी जानती होंगी, मेरे मन में क्या चल रहा है आप ये भी जानती होंगी। खैर, ऐसे प्रश्नों को सुन करके मुझे हंसी आती है और मैं उन लोगों से यही कहती हूँ और आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, साइकोलॉजी इज़ नॉट अ साइंस ऑफ माइंड रीडिंग। ओके, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑफ माइंड। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी आपके बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकता है, आपके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं बता सकता। ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये आपके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके आपको ये बता सकता है कि इन फ्यूचर आप इस तरह के बिहेवियर से आप इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर सकते हैं, ये आपको ये जरूर बता सकता है। साइंस जनरेशन आपको को साइकोलॉजी से जुड़ी हुई समस्याओं, आने वाले एपिसोड में आपको साइकोलॉजी की थ्योरीज, आने वाले एपिसोड में आपसे साइकोलॉजी की थ्योरीज को डिस्कस किया जाएगा और किन किन साइकोलॉजिस्ट ने किन किन थ्योरीज को दिया है और किस तरह के प्रश्न हमारे नेट के एग्ज़ाम में आते हैं, ये सब आपसे डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन की कोई ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेके आप कंफ्यूज हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप saijanreshan7@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, आपको एक सल्यूशन दिया जाएगा या फिर आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी स्टडी से रिलेटेड, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के किस तरह के बिहेवियर हैं और आप उनको किस तरीके से चाहते हैं शेप अप करना, इस तरह से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्याओं को आप नीचे शेयर कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आपको किस तरह की समस्याएं हैं, साइकोलॉजी की कौन सी थ्योरीज हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, किन किन कारणों से आप कई बार नेट का एग्ज़ाम देके भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप ये सब सारी चीज़ें नीचे शेयर कमेंट बॉक्स में जाकर के शेयर कर सकते हैं और मेल पे भी जाकर के मेल कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में आपको साइकोलॉजी की थ्योरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, ये एक क्लासरूम सेटिंग की तरह ही होगा। तो इसके साथ ही मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, आपने ये ऑडियो पूरा सुना या इस एपिसोड को पूरा सुना, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।